हेलो एवरीवन वेलकम टू द हरियाणा जनरल नॉलेज क्लास पिछली क्लास में भी हमने हरियाणा जनरल नॉलेज का पॉलिटी पार्ट डिस्कस किया था वी डिस्कस द पॉलिटी ऑफ हरियाणा बेसिकली हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा हरियाणा में व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स व्हाट आर द डिविजन्स ये कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी तो इट विल वुड हैव गिवन यू अ फेयर आइडिया अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी इन हरियाणा यहाँ पर डिवीजन फॉर एग्जाम्पल देर आर सिक्स डिवीजन इन हरियाणा ऑफ़ टेलिंग यू ऑल दिस अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम इज सो दैट यू शुड नो द एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग गोज ऑन इन दिस मैनर कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो है वो एक्चुअली में कैसे होती है सो वेन द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एन स्कीम और डिजाइन एन स्कीम इट कीप्स इन टू माइंड दीज डिजन की ये एक पॉलिसी है उसके लिए इतनी जो है ग्रांट हम लोग इशू करने वाले हैं इट शुड बी डिडेड इन टू दीज हैज टू डिसाइड दैट हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रिक्स डिस्ट्रिक्ट से आगे फिर रूरल और अर्बन में डिवाइड हो जाता है रूरल वाला जाता है जिला परिषद को जिला परिषद से फिर आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को फिर उसके बाद ग्राम पंचायत तक यानी कि अल्टीमेटली विलेज लेवल तक वो पहुंचता है सिमिलरली इन दी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट बड़े शहरों के लिए देर आर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देन देर आर म्यूनिसपल कमिटीज फॉर द मिड लेवल टाउन और जो स्टार्टिंग के शहर हैं उनके लिए होती हैं नगर पंचायत तो इस तरह से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लास में देखा हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कि कितने डिवीजन हैं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कितनी जिला परिषद हैं कितनी म्यूनिसिपैलिटीज हैं ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ट इन द प्रीवियस क्लास उसके अलावा कुछ पुलिस कमिश्नरेट्स या फिर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है हरियाणा की वो भी हमने देखी आज की क्लास में हम पॉलिटी के एक स्टेप आगे चलते हैं टुडे वी विल सी द पॉलिटी ऑफ हरियाणा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा की पॉलिटी कैसी है इसका मतलब यह है दैट स्टेट अब यहां पे स्टेट का मतलब हरियाणा पंजाब हिमाचल ये वाली स्टेट से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेल्व अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी आर्टिकल ट्वेल्व क्या है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो जैसे हम किसी बुक को स्टडी करते हैं देर आर चैप्टर्स इन एवरी बुक सिमिलरली देर आर पार्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी लॉ देर आर पार्ट और देर आर चैप्टर्स उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट थ्री है इट इज द फंडामेंटल राइट पार्ट जो कि आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव तक जाता है दीज आर फंडामेंटल राइट लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो प्राइमेली स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल माई राइट टू लाइफ इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टेट मेरी या जो सरकार है वो मेरी लाइफ नहीं ले सकती एक्सेप्ट इन फ्यू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जिन्हें तो मोस्टली जो फंडामेंटल राइट एंश्योर करना किसकी ड्यूटी है स्टेट की तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्टेट होती क्या है तो सबसे पहला जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में दैट टेल्सिनेशन ऑफ अ स्टेट देन वॉट इज अटेट हमें उस डेफिनेशन